स्विस बैंक में काला धन रखने वालों पर अब शिकंजा कसेगा, क्योंकि काला धन वालों की जानकारी मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है और इसके लिए स्विट्जरलैंड सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत वहां जमा होने वाली ब्लैक मनी की जानकारी रियल टाइम बेसिस पर मिल सकेगी। अब नहीं बच सकेंगे स्विस बैंक में काला धन रखने वाले कुबेर। एक एक खाते की जानकारी से मिलेगा काले धन का सुराग। स्विट्जरलैंड से ब्लैक मनी वापस लाने की कोशिशों में जुटी मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने ऑटोमेटिक सूचना आदान प्रदान समझौते के लिए भारत के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के कानून को पर्याप्त बताया है, जिसका मतलब ये है कि समझौते से स्विस बैंक में काला धन रखने वालों की जानकारी सरकार तक लगातार पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने उस पैक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत वहां जमा होने वाली ब्लैक मनी की जानकारी भारत सरकार को रियल टाइम बेसिस पर मिल सकेगी और उस पैक्ट की मदद से काले धन को रोकने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि स्विस सरकार की टॉप गवर्निंग बॉडी स्विस फेडरल काउंसिल ने इस साल जून में भारत और 40 दूसरे देशों के साथ हुए ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन पैक्ट को मंजूरी दी थी। अमेरिका समेत कई यूरोपीय और एशियाई देश इस पैक्ट का हिस्सा है और पैक्ट 2018 में लागू होना है और 2019 से भारत सरकार को डाटा मिलने लगेगा। गजट के फैक्ट शीट के मुताबिक स्विस सरकार भारत के इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर में और ज़्यादा पहुंच बनाने की संभावना तलाश रही है। फैक्ट शीट में कहा गया है कि भारत ने इस पैक्ट को लागू करने के लिए ज़रूरी कमिटमेंट दिखाया है और भारत ने टैक्स कानून में कई बदलाव करने के साथ इसके लिए बेहतर माहौल भी तैयार किया है। भारत में ब्लैक मनी एक बड़ा मुद्दा रहा है और स्विट्जरलैंड उन देशों में गिना जाता है जहाँ भारत का सबसे ज़्यादा काला धन जमा है। ऐसे में स्विस सरकार के इस कदम से काले धन वालों पर नकेल कसने में भारत सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन।